वहीं प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने रायपुर पश्चिम विधानसभा से वर्तमान विधायक और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव विकास उपाध्याय को अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय से इंडियन न्यूज ने खास चर्चा की और आइए देखते हैं विकास उपाध्याय ने क्या कहा। कल कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो चुकी है और इसी बीच कांग्रेस पश्चिम रायपुर पश्चिम से विधानसभा सीट मिली है, फिर से प्रत्याशी बने हैं विकास उपाध्याय जी। विकास जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि दोबारा आपको कांग्रेस ने आपको टिकट दिया है, तो क्या रहेगा इस बार अलग? देखिए, 5 साल कांग्रेस की सरकार थी और सरकार ने जिस प्रकार से आम जन आम परिवार के लिए काम किया, एक विश्वास कांग्रेस पार्टी ने हासिल किया जनता के बीच में जाकर घोषणा पत्र पर अमल करके, मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में कांग्रेस की सरकार पुनः बनेगी, बहुमत से भी ज्यादा सीटों पर हम जीत कराएंगे और ये सरकार फिर नहीं बनेगी। क्योंकि पिछले बार भी आपको टिकट मिली थी, आप जीते थे, आपने भारी मात्रा में जीत दर्ज की थी और इस बार भी आपको टिकट मिली, तो कुछ अधूरे काम बचे हैं जो पूरा करना चाहेंगे इस बार? देखिए, इन 5 सालों में 2 साल कोरोना का भी बहुत भयावह समय, भयंकर समय आया, उस समय भी एक जनप्रतिनिधि को क्या काम करना चाहिए उसको खोज के हम लोगों ने निकाला। कहीं किसी को हॉस्पिटल में एडमिट कराना है, किसी को ऑक्सीजन दिलवाना है, किसी को दवाई दिलवाना है। यहाँ तक 2 साल कोरोना में जब पूरे देश में पूरे विश्व में लॉकडाउन की स्थिति थी, लोगों के रोजगार बंद थे, उस समय प्रत्येक घर को राशन पहुंचाने का काम भी हम लोगों ने किया ताकि कोई भूख से मत मरे। ये रायपुर राजधानी है जहाँ से 14 लाख मजदूरों को जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पैदल पैदल अपने घरों को जा रहे थे, उनको यहाँ पर राशन पानी के साथ जूते चप्पल तक पहनाकर हम लोगों ने उनके घर गृह जिले तक गृह प्रदेश तक भेजने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, खाद्यान्न के क्षेत्र में व्यक्तिगत एक परिवार को कैसे उसके महीने बजट में जो पैसा लगता है उसमें कैसे रियायत मिले, कैसे उसको मदद कांग्रेस पार्टी सरकार की योजना से कर सकती है, उसको काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला। हेल्थ के क्षेत्र में हमारे क्लिनिक, हमारे अस्पताल, 50 बिस्तरीय शहरी स्वास्थ्य केंद्र, मोबाइल यूनिट, एम्बुलेंस के साथ में 35 किलो चावल राशन कार्ड में देना, बिजली बिल हाफ योजना, तमाम प्रकार की ये चीजें हैं जो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई, उसको हम लोगों ने करके दिखाया और उसका ही बेनिफिट है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर भी जनता कांग्रेस पार्टी के विषय में बात कर रही है, जनता कांग्रेस पार्टी की योजनाओं पर चर्चा कर रही है और अपने प्रदेशों में लागू करने की बात कर रही है। बार बार देखा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री लोग का आना चालू है, बीजेपी के अमित शाह जी का 2-3 बार दौरा हो चुका है, प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं, तो कितना फर्क पड़ेगा इससे? भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, दिल्ली की लीडरशिप इस बात को जान चुकी है कि छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि है जो 15 साल सत्ता में रहे, वो सिर्फ करप्शन और भ्रष्टाचार किए, उनका विश्वास, उनकी साख खत्म हो चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व बार बार यहाँ पर आ रहे हैं, वो सोच रहा है कि उनके माध्यम से यहाँ की जनता उनको वोट दे दे, लेकिन जनता ने अपने अधूरे कार्यों को देखा है, जनता ने जनहित के उन मुद्दों पर योजनाओं को लागू होते देखा है जो आम आदमी को जिससे फायदा मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ आके बरगलाने का काम कर रही है, मैं नहीं समझता कि जनता मिसगाइड होने वाली है। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 साल हो गए छत्तीसगढ़ राज्य बने, इन 4.5 साल में एक बार भी नहीं आए, ये 6 महीने से यहाँ आ रहे हैं। इनको अगर छत्तीसगढ़ की जनता की फिक्र होती तो ट्रेन चालू करते, ट्रेनें बंद है, रोज सैकड़ों की संख्या में ट्रेन रद्द हो रही है। आम आदमी के सफर करने का सबसे सरल और सस्ता उपाय रेल है। आप छत्तीसगढ़ के साथ शौचालय व्यवहार कर रहे हैं, जी हमारे सेंट्रल GST का पैसा, पूरे पैसे को रोकने का काम आपने कर दिया। धान के समर्थन मूल्य और बोनस को लेकर जिस प्रकार से धान खरीदी बंद कर दी थी, तमाम वो चीजें हैं जिसको लेकर आम जनता भली भांति, आम जनता इन चीजों को जानती है और आने वाले दिन में मैं समझता हूँ कि इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इसकी लड़ाई लड़ी है। प्रदेश कांग्रेस और मुख्यमंत्री जी ने आपको संसदीय सचिव की जिम्मेदारी दी है, तो अगली बार सरकार बनती है और आप जीतते हैं, तो आप कौन सा पोर्टफोलियो मांगना चाहेंगे? देखिए, ये मत बताइएगा कि पार्टी जो देगी, आपको किस क्षेत्र में रुचि काम करना है? मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कांग्रेस पार्टी की अपनी एक कार्यशैली है और मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में काम किया, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था 3री बार विधानसभा का टिकट मिला है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव भी हूँ। संगठन ने, पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी जवाबदारी हमेशा दी है, आने वाले दिनों में सरकार बनेगी, अभी तो मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी था, संसदीय सचिव था, उसमें रहकर काम किया हूँ, आने वाले दिनों में परिणाम अच्छे आएंगे, सरकार बनेगी और सरकार बनने जा रही है, तो पार्टी उपयुक्त स्थान पर हम लोग जरूर भेजेंगे। कोई एक पोर्टफोलियो जो आपको पसंद? मैं इसके विषय में क्या बता सकता हूँ, इसके विषय में तो आपको पार्टी लीडरशिप बताएगी।
तो ये थे हमारे साथ प्रत्याशी विकास उपाध्याय जी और वर्तमान विधायक भी है, कैमरामैन मुकेश जी के साथ इंडियन न्यूज। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।